छह आदमी था, मुख में कपड़ा बना था काला काला, वो लोग मार कर निकल गया। और वही मारते हैं सुबह जाने के बाद, शाम में हम लोग सोचता है कि घर आएगा। अभी तो इनका घर परिवार को कौन देखेगा? नहीं, अब हम लोग शिलांग में नहीं रहना चाहते। एक तो खत्म कर देते, एक छोटा वाला भाई है उसको क्या बीतेगा, वो कुछ भी कर देगा, बाद में कोई भरोसा तो नहीं है अब। After a gap of 11 months, late Arjun Rai, a daily wager from Bihar, but born and brought up in Shillong, was expecting to meet his family. He, along with his neighbors, had already booked a train ticket for April 15th. On 10th April, when 52-year-old Arjun Rai left for work at Maulai Maura, little did he know that his planned trip to Bihar for April 15th would be incomplete. Rai and his 25-year-old son Mukesh lived at a rented house in Nongmansong while his wife and daughters lived in Bihar. Like every other day, Rai's wife Asha Devi spoke to her husband at 8 a.m. before he left for work, and they were to call each other again during lunch break. When she failed to get any phone call, she sensed that things were not right. Rai was brutally beaten to death by five masked miscreants with a crowbar. The other two were beaten but managed to run for their lives. But Rai couldn't outrun them, being an elderly man. On 10th of April, this family had to suffer the most unbearable loss when their father, a 52-year-old man, had gone for as a daily wage laborer, painting a house normal duty that he had gone, thinking that he would return back home safely. He is a resident of Nongmansong. He is called Arjun Rai and a native of Bihar, but he has been living here in Nongmansong for several years and has been working as a daily wage laborer and has been supporting his family. Mukesh, आप बता सकते हैं उस दिन 10 तारीख अप्रैल में सुबह जब पापा निकल गया था यहाँ से, आप बता सकते हैं सुबह सुबह क्या हुआ था? सुबह सुबह तो मैं इधर से बाबा 8 बजे निकल गया, वो लोग बोला घर बहन का उतर गया, बहन बोला चाय खाओ, बहन का बोला नहीं पिएगा, हम गाड़ी छूट जाएगा, तो काम में चला गया, हम भी काम में चला गया, हम ईश्वरवाट में काम किया, उठो मोड़ों में काम किया, तो हमको 11:30 में फ़ोन किया से जो आदमी लोग था, तो बोला सब तुमका पापा गिर गया छुट मुट के बिल्डिंग से गिर गया, आओ निगरी हॉस्पिटल में। हम गया निगरी हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोला बाबा का आपका माथा फट गया है, तो हम बोला कैसा फटा, तो बोला रोड से मारा है, उठो निशा घाम बचा निशे बोला। साथ में जो लोग काम किया था वो लोग कुछ बताया कि कुछ झगड़ा हुआ या कुछ? बोला मेरा 6 आदमी था, मुख में कपड़ा बना था काला काला, वो लोग मार कर निकल गया। एक ठू को पहचानता है, एक ठू आदमी है पहचानता है, पूरा कपड़ा खोल दिया है उसको, एक ठू को पहचानता है बोलता है, 5 ठू को तो नहीं पहचानता है। तो अभी आप क्या करोगे, यहीं पे रहेगा या आप बिहार वापस जाओगे या क्या करना चाहते हो? अब यहाँ पे कैसे रहेंगे, फैमिली लोग उधर रहेगा, अब हम इधर रह के क्या करेंगे? आप पापा के ध्यान की वजह से आपने तैयार किया कि वापस जाओगे अब? जी। और अभी कौन कौन है फैमिली में जो, मतलब पहले तो सिर्फ पापा काम कर रहे हैं पूरा फैमिली को देखभाल के लिए, आप भी था, अभी सिर्फ आप है जो देखभाल करेगा? मैं हूँ। और आप कितना कमाई करते महीने में? महीना गया हुए 500-600 रुपया कमाता हूँ एक दिन का। मुकेश राय विल नाउ लुक आफ्टर नॉट ओनली हिज वाइफ बट हिज मदर एंड हिज यंगर सिस्टर हु इज 17 इयर्स ओल्ड। He is also a daily wager, making ends meet by painting houses. अर्जुन राय तो रहा ना घर का सबसे बड़ा सदस्य, वही थे जिम्बार आदमी, वही था इतने बड़ा घर के संभालने वाला, वही इंसान था, सबको कमा के खिलाना रखना उनका ही जिम्बार था ना। अब तो रहे नहीं, तो अभी हम लोग क्या करें? हम तो लोग शिप में है नहीं यहाँ पे, नॉन ट्रेवल, जो आदमी आए चाहे आता है वही मारता है आदमी को। एक आदमी जो काम करने जाता है उसका घर में, वही आदमी उसको ही मार देता है। 2 पैसे के लिए हम लोग बुलाते हो उनके घर में काम करते हैं और वही मारते हैं। सुबह जाने के बाद शाम में हम लोग सोचता है कि घर आएगा, मगर ये देखिए क्या हुआ, सुबह 9 बजे गया, 11 बजे ऐसे हुआ। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? अभी तो इनका घर परिवार को कौन देखेगा?
The last rites of Arjun Rai was carried out on Friday, with all the people from the society coming together to pitch in. The local MLA of the constituency, A.L. Heck, also paid a visit to the family and has assured to take it up with the chief minister and central leaders as well. ठीक है, अब ये बता सकते हो कि आप लोग कभी सोचा कि ऐसे कभी भी नहीं सोचे थे ये कांड हो जाएगा। उस दिन आपको कैसे मतलब वो जो न्यूज आया था कि आपका पापा मतलब गुजर गया, आप क्या कर रहे थे, मतलब कैसे, कौन बताया था आपको? फोन गया था ना तो मालूम चला, हम लोग नहा रहे थे कि हम लोग पिताजी गुजर गए, मार दिए, काम करने गए थे घर में मार दिए। लास्ट अब पापा से कब बात हुआ था? कब बात पापा से 10 दिन पहले बात हुई है। तो अभी आप लोग जब अंतिम संस्कार सब कुछ खत्म हो गया, आप लोग वापस जा रहे हो? हाँ। मतलब आप लोग नहीं चाहते कि शिलांग में? नहीं, अब लोग हम लोग शिलांग में नहीं रहना चाहते। एक तो खत्म कर देते, एक छोटा वाला भाई है उसको क्या बीतेगा, वो कुछ भी कर देगा, बाद में कोई भरोसा तो नहीं है। अब पापा तो चला गया, एक तो भाई है उसका तो कोई अवस्था अब नहीं है। हम लोग यही चाहते कुछ सहारा चाहिए। So that was what Pinku has just said, that they want safety, security. They don't feel safe anymore staying here. Their younger brother Mukesh, who's also a painter, who equally is a daily wage laborer, does the same job as his father is doing, but now has decided to go back to Bihar because of this unsafe environment and because of the murder of their father, who was working honestly and making ends meet by working in a construction site, but was attacked and murdered in broad daylight. And he's left behind his family. The youngest daughter is a 17-year-old. Now the father has left. It's all upon Mukesh to look after his siblings and his mother, who are left behind. This is Princess Rashia reporting for EastMojo.com in Shillong. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.